Okay, so now we are here with a new topic. Recently, August में, right? What actually happened कि California का जो wildfire है, ये वापस क्या आया? News में आया, right? Okay, so ये topic उठाने के पीछे reason ये है कि अगर हम पूरे 2019-20 को देखूं, right? अगर मैं June 2019 से और अभी तक देखूं, तो climate पे जो particular चीजें, summits हैं, दूसरी चीजें, conference of party 25 है. UN Climate Action Summit है, Greta Thunberg है, Friday for Future है, right? उसके बाद अपन Amazon Rainforest पे बात कर चुके हैं, जो अपने पास किस में आया था, G7 में, Australian Bushfire पे भी बात नहीं हुई है, but वो जैसे ही अपन पिछले वाले उसमें पिछले महीने में जाते आएंगे, उस पे भी बात करेंगे, लेकिन और साथ साथ last जो particular September का time था, at that time we also had a report for Indian Forest जो fire है उसके लिए भी. है ना. सो अपने पास ओवरऑल कंसर्न में ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है जिसको अपन कोशिश करेंगे स्मॉल उसमें आने की. आई मीन अगर मैं सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर दूंगा तो ये बहुत बड़ा पैसेज हो जाएगा, राइट, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी कम नहीं है, तो अपन इसको इग्नोर नहीं कर सकते. है ना. सबसे पहले बात करें कैलिफोर्निया जो वाइल्ड फायर है ना, इसके एक स्पेसिफिक सीजन्स होते हैं, राइट. अगर मैं बात करूँ ना तो इसके दो अलग अलग सीजन होते हैं, सीजन वन और सीजन टू. हाँ, ये एक्चुअल सेंस में प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ग्लोब को देखूं, नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर को देखूं और ग्लोब का मतलब अर्थ के रोटेशन एक्सिस का टिल्ट देखूं और साथ साथ प्रेशर गैप देखूं. यस, एक्चुअली हवा जो है ना एक फ्लूड है. एनीथिंग दैट इज अ फ्लोइंग इज अ फ्लूड, है ना. सो हवा भी फ्लूड है और फ्लूड हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलता है. तो जैसे ही मौसम चेंज होते हैं, जैसे ही क्लाइमेट और वेदर चेंज होता है, वैसे ही एयर के डायरेक्शंस, एयर की स्पीड, एयर का टेम्परेचर, ये सारी चीजें चेंज होती हैं, है ना. सो डोंट डिफरेंट सीजन में एक्चुअली एक जो सीजन है वो सेप्टेम्बर में खत्म हो जाएगा, फिर अक्टूबर से अप्रैल तक चलेगा. ये अपने काम का नहीं, बहुत डिटेलिंग हो जाएगी. अपने को यूपीएससी नहीं पढ़नी, अपने को क्या पढ़ना है, क्लेट. क्या पढ़ना है, क्लेट पढ़ना है, है ना. सो क्लैट के हिसाब से आते हैं. मेन रीजन क्या बनता है अभी के टाइम पे, तो भाई साहब एक सांता एना, राइट, ये विंड है सांता. ये जब सांता एना आते हैं, राइट, तो ये विंड जो है ये वाइल्ड फायर लेके आती है. नाउ व्हाट इज सांता एना? कैलिफोर्निया की लोकल एक पर्टिकुलर एरिया का एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल जो फीचर है ना, उसका नाम है, राइट, शायद गल्फ रीजन है वो. गल्फ है छोटी सी, उसका एक स्पेसिफिक नाम है. सो जब वो हवाएं अपने लैंड की तरफ आती हैं तो वो ड्राई होती हैं, वार्म होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो जो पेड़ होते हैं, और उस टाइम पे चूंकि पतझड़ के टाइम पे बहुत सारा सूखा मटेरियल होता है, तो इन सबको मिला के आग जला देते हैं, राइट. ऑस्ट्रेलिया के, सॉरी ऑस्ट्रेलिया बोलो, कैलिफोर्निया की हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी वाइल्ड फायर आपने 2018 में देखी थी, मेंडोसिनो, राइट. और इससे बड़ी अब तक नहीं हुई है, लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से 1997 से 2017 के बीच में जो वाइल्ड फायर आने का परसेंटेज है वो 400% बढ़ गया है, थैंक्स टू क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटी जो है, राइट. इन्होंने जहां जहां भी ह्यूमन बीइंग जहां भी जाते हैं ना, वहां पे कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट करते हैं. दे कॉल देम सेल्फ सिविलाइज्ड अ बेटर रेस देन अदर एनिमल्स, बट अदर एनिमल्स डोंट हार्म क्लाइमेट, एक्चुअली द नेचर विच इज kind of nurturing them, right? So human being का main factor बना climate change, एक और factor बना इस kind, ये जो rate है wildfires की वो बढ़ गई. Problem क्या होती है? Problem इस चीज़ में आती है कि सबसे पहले जो pollution है वो बढ़ जाता है बच्चे लोग, right? Obviously जलेगा, sulfur उठेगा, carbon dioxide, carbon monoxide उठेगा आदि जली चीज़ों से, right? जो कि किसको disturb करेगा? एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करेगा, राइट. पहला पोल्यूशन. दूसरा जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर खतरा आ जाता है. ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन बुशफायर अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हें कितने सारे इंटरनेट में ऐसे फोटोग्राफ्स मिले थे जिसमें कहीं ना कहीं जानवर परेशान हैं, उनको पानी पिलाया जा रहा है, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो ग्रीनरी है, जो फ्लोरा वाला पार्ट है, वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है. तो डेफिनेटली फ्लोरा डैमेज होता है, भले फौना या एनिमल्स भागते हैं उससे, लेकिन अगर फ्लोरा डैमेज है तो उनके फूड और बाकी सारी जो सप्लाईज होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो उनका भी एक्सटिंक्शन होना तय हो जाता है, राइट. तो बायोडाइवर्सिटी डाउन होती है. सो अपने लिए जो कंसर्न है वो ये नाम है कि सांता एना इज द विंड. ये पर्टिकुलर नाम है कि ये 2018 में आया था, राइट. उसके बाद अपने को ये दोनों चीजें क्लियर रखनी है. अगेन, रीजन टेम्परेचर चेंज का या हवाओं की स्पीड का, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, डेंसिटी कम होगी, प्रेशर कम होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आएंगी ही, राइट.
सो इन दोनों केसेस में भी सेम था समर्स के टाइम पे टेम्परेचर डिफरेंस का, राइट right? और इसमें भी ऑलमोस्ट रीजन सेम है, अपन ज्यादा ज्योग्राफी में नहीं जाएंगे, करंट अफेयर्स पे रहते हैं. नाउ लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में इंडिया के फॉरेस्ट जो फायर प्रॉब्लम है उस पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट निकाली थी, राइट right? मैं नहीं जानता कि कितना ज्यादा इसमें वो होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बन सकते हैं, राइट right? मैंने एक पूरा का पूरा पैसेज में कई क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि सबसे ज्यादा, राइट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 विच स्टेट इज मोस्ट प्रून जोन फॉर फॉरेस्ट फायर, राइट चूंकि सब जगह हो रहा है, इंडिया में मैं पूछूं सबसे ज्यादा प्रोन स्टेट कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए, राइट right? तो ये छोटा सा तुम्हारे पास होमवर्क है कि जो अपने पास फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट आई थी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, उसमें सबसे ज्यादा प्रून जोन किस स्टेट में मिलता है, तुम्हें आंसर सुन के तुम शॉक हो सकते हो, राइट दैट्स व्हाई तुम्हारे लिए ये होमवर्क है, गूगल कर लेना है ना, राइट आज एक स्टूडेंट से बात भी हुई थी, बोले सर होमवर्क पेंडिंग होता जा रहा है, दैट्स योर प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम, नन ऑफ माई प्रॉब्लम, राइट सो जस्ट मेक श्योर कि ये पाइल ऑन ना होने पाए, है ना, और होमवर्क कंटिन्यू करते रहे. सो ये हो गया अपना क्वेश्चन, ये हो गए अपने क्वेश्चंस, राइट एंड ये हो गए अपने क्वेश्चंस, ये अपना पूरा का पूरा फैक्ट फाइल जो है वो पूरे पिछले एक साल के मेजर जो वाइल्ड फायर्स बुश फायर्स या रेन फॉरेस्ट फायर्स हुए हैं उन सब का एक ओवरऑल कंपाइलेशन होता है, राइट आई होप यू गॉट ऑल दीज पॉइंट्स. और इसके लिए तो आपने अलग से नोट्स बनाए ही हैं, तो मैं ज्यादा इसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, दैट आई बिलीव तुमने बनाए हैं, फिर भी जो पिछले महीने में अपन जाएंगे तो जब इसका टाइम आएगा, राइट सॉरी इसका ऑस्ट्रेलियन को, सॉरी क्योंकि अमेज़न रेनफॉरेस्ट फायर अपन पहले पढ़ चुके हैं G7 के टाइम पे, जब इसका टाइम आएगा तो अपन इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर लेंगे, राइट आई होप यू गेट ऑल दीज स्टेप, राइट गुड जीनियस.